नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज मैं यो किसी का एंगेजमेंट था तो उसमें केक के लिए ऑर्डर आया था और एंगेजमेंट का केक बनाना था, रिंग वगैरह सारा कुछ बनाना था दोस्तों। और केक था वो 5 पाउंड का, यानी कि वो था 2.5 केजी का केक था। तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। सो बेस लगाया और केक का फ्लेवर था, उन्होंने फ्लेवर बताया नहीं था, बोला थे कोई अदरवाइज कोई भी फ्लेवर बना लेना। दोस्तों अपने मन से मैंने सोचा कि पाइनएप्पल बना लेते हैं, तो मैंने पाइनएप्पल क्रश डाल दिया उसके बाद में, और दोनों बेस एक साथ में जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको तुरंत में ऑर्डर मिला। लग रहा है कि पूरी तैयारी हो गई है तभी ऑर्डर उन्होंने दिया। वैसे ऑर्डर इनको पहले देना चाहिए, ऑर्डर हमें लेट में ऑर्डर मिला था, तो मैंने बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करी है ताकि मेरा केक जाएगा तो ये भी रहेगा ना कि कहाँ से केक आया है। तो मैंने अच्छे से कोशिश की है बनाने की। तो दोस्तों मैंने केक को रेडी कर लिया है और उसका कलर में ये बोले थे कि हाँ कलर होना चाहिए, पूरी वाइट क्रीम नहीं होनी चाहिए, तो कलर होना चाहिए। तो और ख़ास करके ये बोले थे कि पिंक कलर होगा तो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने पिंक कलर को मिक्स करके क्रीम में और आइसिंग करने स्टार्ट कर दी है। सो दोस्तों मैं और ये केक बहुत इजी है बनाने में और काफ़ी बहुत अच्छा, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, केक काफ़ी अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। तो सेम ऐसे ही बनेगा केक जैसे आप थंबनेल में देखे हैं, वही केक बना रहे हैं। जैसे पिंक वो भी था और पिंक है जो मैंने थंबनेल में लगाया है। उन्होंने पहले मैंने उनको ये फ़ोटो दिखाया था, एक दो बार मैंने बनाया है केक, तो मैंने फ़ोटो दिखाया था तो उन्होंने कहा भी था कि हाँ यही सही रहेगा हमारे लिए। तो मैंने आइसिंग कंप्लीट कर ली है और ये जो बेस के ऊपर क्रीम लगी है इसको थोड़ा सफ़ा कर लेंगे, उसके बाद में इसकी धार को बहुत अच्छे से काट लेंगे। सो दोस्तों इसको थोड़ा पत्ती से काट लेते हैं स्केल से। एंड दोस्तों अब थोड़ी गर्मी होने लगी है तो इतना बहुत अच्छा वो आइसिंग नहीं हो पाती है, तो और हमारे यहाँ भी एसी नहीं लग पाई है। एसी होता है तो ये होता है कि एसी में केक बनाने में क्रीम वगैरह नहीं फटती है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी एसी लग नहीं पाई है और गर्मी अब होने लगी है, क्रीम हल्की हल्की फट जाती है, तो इसमें केक देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों मैंने एक आइसिंग कम्प्लीट कर ली और दूसरे केक की आइसिंग कर रहा हूँ, और ऐसे में ये भी आइसिंग हमारी मान के चलो कंप्लीट होने ही वाली है। आइसिंग में तो 2 मिनट लगता है, आइसिंग करने में बहुत कम समय लगता है दोस्तों। और मेरी आइसिंग ये भी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे, ऊपर की बस क्रीम हमें उतार लेना है क्योंकि बाकी कुछ नहीं करना है। आइसिंग में तो बस एक बार ही से अच्छे से क्रीम लगाया और क्रीम उतार लिया, तो समझो आइसिंग कंप्लीट। आपकी क्रीम लगाना और क्रीम उतारना होता है इसमें बस। तो दोस्तों ऐसे हमारा केक ये रेडी हो रहा है और साइड की थोड़ी क्रीम ज़्यादा ही लग गई थी तो उसको भी उतारना है दोस्तों, और मैंने क्रीम उतार लिया है। अब इसे स्केल ना करके पत्ती से थोड़ा साफ़ कर देना है बस, और ये केक अच्छे से सफ़ा हो चुका है। अब इसमें डिजाइन बनानी है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना वो थोड़ा और चौड़ा डिजाइन बना हुआ था, तो वो डिजाइन बनानी है। तो एक टूथपिक की मदद से थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, एक टाइप की हो गई और दूसरी टाइप की हो रही है। तो दोस्तों ऐसे हम दूसरी टाइप की भी कर लेंगे, और दोस्तों ये देखो वैसे ही डिजाइन हमारी तैयार हो गई। अब इसको उठाकर इसके ऊपर सेट कर देंगे। सो दोस्तों ये हमारा केक अब 5 केजी का बन गया है। अब उस पर करना क्या है, जो कढ़ाई वाले से तो कुछ फूल बने थे उस पर, तो इसको भी बना देता हूँ ताकि देखने में साइड से देखने में अच्छा लगे हाँ एंगेजमेंट का केक है ये। तो दोस्तों और इसको बनाने में बड़ा थोड़ा टाइम बहुत इन्वेस्ट जाता है, बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है दोस्तों। ऑर्डर है ही है, बनाना तो पड़ेगा ही कैसा भी हो। तो दोस्तों ये मैंने रेडी कर दिया है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये केक काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों सजाने की बहुत कोशिश की है मैंने, जितना कुछ हमसे हो सका है मैंने सजाने की कोशिश करी दोस्तों, और
ऐसे इस पर बिंदी बिंदी रख देते हैं। इसके बाद में हमारा केक, अब इस पर सिर्फ फूल बनाना है ऊपर, और फूल उस केक में गम पेस्ट का रखा हुआ था ऊपर दोस्तों, फूल अब साइड में है। तो ये साइड वाले फूल तो मान लो क्रीम के हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो रेड फूल था उसमें वो गम पेस्ट का ही था। तो दोस्तों पहले ये साइड वाले फूल हम कंप्लीट कर देते हैं जल्दी 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 जल्दी, जितनी जल्दी हमसे हो सकता है उतनी जल्दी हमें ये फूल बना के कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी स्पीड से ये फूल बनाया हूँ और जल्दी जल्दी फटाफट लगा दिया हूँ, ताकि ये जो नीचे वाला था जहाँ हमें सबसे नीचे यहाँ पे हमें फूल और चारों तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब फूल कंप्लीट हो गया है, इसमें पत्ती तो मारनी नहीं है क्योंकि फोटो में कोई पत्ती नहीं था। ऊपर केवल तीन फूल रखना है, दो हो गए और एक उठाकर और रख दिया, तीन हो गए। सो दोस्तों अब पीले कलर से जो मैंने डिजाइन किया था ना टूथपिक से, उस पर थोड़ी बिंदी बिंदी सी रखनी है, क्या बोलते हैं उसको, बटन टाइप का, बटन चिक बटन टाइप का। सो दोस्तों उसको रखेंगे धीरे धीरे से। ये देखो मैंने रख दिया बटन टाइप का, ये क्या होता है दोस्तों हमें भी नहीं पता है, और जिनको पता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दें ये होता क्या है। सो दोस्तों अब मेरे पास यार गम्पेश तो है नहीं और उनको फोलो भी चाहिए था, तो हम क्या काम करते हैं, वैसे हम उसका बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसका बना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्पंज को थोड़ा मीस के अच्छे से और इसमें कलर मिला करके सेम वैसे ही कलर कर लेंगे। और हमारे उस्ताद जी ने बताया था अगर जो गम पेस्ट नहीं हुआ आपके पास तो थोड़ा इसका गम पेस्ट बना के काम कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि हाँ इससे काम हो तो सकता है, अच्छे से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इससे फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने इससे कभी ट्राई नहीं किया, तो आज है नहीं गम पेस्ट तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा इस पंच है। तो मैंने इसको पहले रिंग वाली बॉक्स बनाना था, रिंग बॉक्स जैसे होता नहीं है इंगेजमेंट में बॉक्स से रिंग निकालना वाला, तो वैसे थोड़ी सी एक छोटी सी वही रिंग बनाना पड़ेगा। रिंग मैंने बना लिया है और अब बॉक्स बना रहा हूँ, चारों तरफ से बॉक्स बनाना है। तो दोस्तों अब बॉक्स के लिए वो किनारे वाली फंटी वगैरह काटना, इसको काट काट करके कट कट करके लगाना है, और ऐसे में हमारा बॉक्स आधा तैयार हो चुका है, आधा नहीं तैयार हो पाया है। अब ये रिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन हमें लगता है ये चिपक नहीं रहा है, बस इतनी परेशानी हो रही है चिपक नहीं रहा है। गम पेस्ट होता है वो चिपक जाता है और ये चिपकता नहीं है जल्दी, गम पेस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर रख देते वो चिपक जाता है, लेकिन ये नहीं चिपकता इतनी जल्दी, हट जाता है, इधर उधर हो जाता है दोस्तों। तो इसको मैंने वैसे बनाया है, लेकिन ये मेन पॉइंट इतना परेशानी कर रहा है, चिपक नहीं रहा है। और अगर जो सोच रहा हूँ रिंग बॉक्स ना बनाऊँ तब भी बोलेंगे भाई इंगेजमेंट का केक था, तो वो आपने जो मेन चीज़ था उसको आपने ही बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, कि किसी तरह से बनाना तो पड़ेगा ही, और इसको मैंने बना लिया है। और लगाएंगे कब, लगाएंगे तब जब इसे ले जाना होगा, तब तक के लिए मैं फूल की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें रेड फूल लगा था वो भी गम पेस्ट का था, और उन्होंने बोला था कि जैसे है मेरा फ़ोटो है वैसे सेम वैसे ही केक बनना चाहिए। तो दोस्तों और मैं थंबनेल में ये बनाने की कोशिश की है, एक तरफ जो पहले का जो हमें वो देखे गए हैं उसका फ़ोटो लगाएंगे, और एक तरफ जो अपना मैंने केक बनाया है उसका मैंने फ़ोटो लगाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे में ही हमारा फूल तैयार हो जाता है, देख लीजिए आपके सामने मैंने बनाया है जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से, और ये बहुत अच्छे से बनाऊंगा ताकि आप उसको देख सकें कि कैसे बनता है। बस इसी गम पेस्ट की छोटी 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 जैसे रोटियां बनाते हैं ना पूड़ी जैसी, छोटी छोटी टिक्की बना लेते हैं लंबी करके, बस गुलाब का फूल मान लो
रेडी हो जाता है और कुछ इसमें करना नहीं होता है, क्योंकि मैंने गम पेस्ट पहले से ही कलर कर लिया था, कलर भी हमें नहीं करना। और दोस्तों ये फूल हमें क्रीम वाले फूल से देखने में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। जैसे आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये मेरा 3 फूल रेडी हो चुके हैं, अभी 2 फूल और बनाना है, क्योंकि उसमें 5 फूल लगे थे, तो 5 फूल तो हमें पूरे करने ही पड़ेंगे। सो दोस्तों ऐसे में 3 बना लिए हैं और एक एक 2 और बनाने हैं, तो उसके लिए जल्दी जल्दी से तैयारी कर रहा हूँ। और ये मेरे दोनों फूल कंप्लीट हो जाएंगे और इसको बना करके यहाँ हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसको यहाँ लगाएंगे तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं रास्ते में ले जाने वक्त डैमेज ना हो जाए। इतनी मेहनत से बनाता हूँ फिर डैमेज हो जाएगा तो बहुत अजीब लगता है दोस्तों। सो इसको जल्दी से बना रहा हूँ जितनी जल्दी मेरे से हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में एक फूल ये भी कंप्लीट हो चुका है, केवल एक टिक्की इसमें और लगाना होगा, क्योंकि अभी इसमें वो पत्तियाँ कम हैं, क्या बोलते हैं उसको, कली पत्ती क्या बोलते हैं, वो कम है भी, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो ऐसे में हाथ से करते थे तो उतना साफ नहीं बनता है, पन्नी की मदद से थोड़ी वो लुई टाइप की होती है उसे बना करके पन्नी के ऊपर से ठोंक देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पतला भी हो जाता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है इसमें। और ये देख लीजिए ऊपर से ठोंक दिया, ये काफ़ी पतला हो जाएगा और अच्छे से बन भी जाएगा। जब हाथ से करो तो कहीं कहीं पे ये ना ये फट जाता है, क्योंकि गम पेस्ट नहीं फटता है लेकिन ये फट जाता है ना, और बनाना तो वही है ऐसे। तो गाइस मैंने ऐसे करके 5 फूल अपना रेडी कर दिया हूँ और इस पर लगा भी दिया हूँ। और ये फूल दोस्तों आप लोग लगाना तो नीचे से वो टूथपिक की मदद से ही लगाना, ताकि अगर जो ये टूथपिक नहीं लगाओगे तो ये फूल कहीं ले जाते वक्त इधर उधर हो जाता है। ऐसे में मेरा केक रेडी हो गया है। सो गाइस जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।